तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग एक और एक्वेरियम का वीडियो लेके आए हैं। मैंने अपने चैनल पर अभी तक आपको फिशेस नहीं दिखाई थी, तो इसमें मैंने सिकलेट्स ऐड करी हुई हैं, अराउंड 16 सिकलेट्स हैं। और एक आपका इसमें प्लीको है, प्लीको भी दिख नहीं रहा है। और करीब एक महीना हो चुका है इनको, साइज़ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। और एक बार मैंने पानी भी 50% चेंज कर दिया है। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ पैरेट फिशेस, जिसमें आप देख सकते हो कि मैं दो ऑरेंज पैरेट लेके आया हूँ और एक येलो पैरेट है। ये छोटे वाला दो पेयर है और एक बड़ा सिंगल लेके आया हूँ मैं। ये जो छोटे वाले पेयर हैं मेरे को करीब पड़े 1000 रुपये के, और सिंगल येलो बड़ा पड़ा है मेरे को 700 का। तो अभी मैंने इनको मतलब टेम्परेचर मैच होने के लिए पॉलीथीन इसका डाल दिया है। और आप देख सकते हो सारे सिकलेट जो हैं इनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं, सारे मतलब देख रहे हैं कि हाँ भाई ये क्या चीज़ आई है टैंक के अंदर। देख सकते हो कैसे सिकलेट्स पैरेट फिशेस को देख रहे हैं। और मैंने इसमें एक शेप ऐड किया है हाइडिंग स्पॉट्स के लिए, बहुत सारे पॉट्स ऐड किए हैं। और इधर एक छोटा सा ये बैरल्स बने हुए हैं, ये भी एक हाइडिंग स्पॉट्स है। मतलब काफ़ी हाइडिंग स्पॉट्स मैंने इसमें बना दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि नए फिशेस आए हैं तो इनको हाइडिंग स्पॉट चाहिए होगा। आप देख सकते हो ये लोग कितने उतावले हैं बाहर आने के लिए। तो अभी 4 से 5 मिनट के बाद हम इनको अपने एक्वेरियम के अंदर डालेंगे। हेलो गाइस, वापस आ चुके हैं हम लोग। और अभी देख सकते हो शाम के 6:30 बज रहे हैं, करीब 4 घंटा हो गया है इनको, 3 से 4 घंटे। और देख सकते हो ये जो हमारा येलो पैरेट है इसने ये वाला पॉट पकड़ लिया है, और जो हमारे रेड पैरेट हैं वो इसके अंदर आप देख सकते हो छुपा हुआ है, और कभी कभार ये भी इसके अंदर छुप जाती है। और दूसरा जो हमारा रेड पैरेट है वो जहाज़ के पीछे इसके पत्थर के पीछे छुप जाता, तो इन लोगों ने ये स्पॉट चुना है। अभी इसमें 4-5 सिकलेट्स आ जाते थे आराम से, बट उनको शायद शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और। और यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शिप के पीछे छुप गया है वो, देखो आया आया। और बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब जितना मैंने सोचा था कि जिस हिसाब से डीएक्टिवेट हो जाएंगे हुआ नहीं, काफ़ी एक्टिव है सारे। और ये हमारे सिकलेट्स हैं सारे, और ये है हमारा प्लीको। मैं आपको प्लीको दिखाने वाला था, ये देख सकते हो प्लीको, प्लीको हमारा फाइनली बाहर आ गया। ये है मेरा प्लीको इस टैंक का, ये पूरा अच्छे से क्लीनिंग कर देता है एल्गी वगैरह। ये देख सकते हो पहाड़ के पीछे, मेरे को थोड़ा पहाड़ में इसको थोड़ा आगे खिसकाऊंगा ताकि पीछे आराम से तैर सके, और थोड़ा सा सेटिंग चेंज करूँगा इसका शायद 1 से 2 दिन में। शायद इसमें मैं 2 या 3 पॉट्स और ऐड करूँगा। शिप को मैं सोच रहा हूँ उधर शिफ्ट करने का, कि वो बैरल छोटा है और उसके सहारे शायद 1 से 2 पॉट और आ जाएगा इधर एडजस्ट। और एक पॉट मैं सोच रहा हूँ इधर लगाने का, ये जो खाली जगह है। एक साइड लुक मैं दिखाता हूँ आपको साइड से कैसा लग रहा है। तो ये कुछ साइड लुक आ रही है हमारे एक्वेरियम की,
बहुत ही सुंदर कलर है इसका। और देख सकते हो सिकलेट्स हमारे सारे आ गए हैं, कह रहे हैं हमको वीडियो मिलो। और ये भी मेरे पास एक येलो सिकलेट भी है, सिंगल है मेरे पास, और दो मेरे पास वाइट में है सिकलेट्स, देख सकते हो। ये रेड आईज है इनकी, बहुत स्पेशल सिकलेट्स हैं ये भी। और बाकी ज़ीब्रा पैटर्न्स हो गए आपके, मतलब काफ़ी यूनिक, मतलब लगभग सारे मेरे पास जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं सारे कलर्स हैं मेरे पास सिकलेट्स के। तो फाइनली हमारा ये पैरट फिश का एड कंप्लीट हो चुका है, और जैसे जैसे जो भी वीकली अपडेट्स होंगी मैं आपको अब देता रहूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए पैरट फिश भी हमारा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर बोलने को आया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।